बहुत ज़्यादा तो पीछे रहे, बहुत ज़्यादा थे, बट मेरे को ना बेसिकली यही टनल ही देखना था जो मैंने फाइनली देखा। मुझे लग रहा था दिल्ली वाले सीपल के वजह से, बट यहाँ पे Hey guys, welcome back to another vlog. This is Ankit. You are watching Uncut Life. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है भाई उसका, नाम भूल गए, सी वर्ल्ड, हाँ सी वर्ल्ड, नोएडा सेक्टर 12-22 ही बोलते हैं उसको, लाइक कंबाइंड करके तो 12-22 में लगा हुआ है सी वर्ल्ड, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। और मेरे साथ, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना, सी ए साहब आए हुए हैं और अमन आए हुए हैं, आया हुआ है, तो हम दोनों गए थे उसको पिक करने। बड़ा आदमी है ना वो, सी ए बन गया तो करना पड़ता है इतना। तो चलो ये दोनों हैं साथ में, बोलो भाई चल रहे हो ना? हाँ भाई। वो कहाँ गए? इधर गायब क्यों हो रहा है भाई? चल रहे हो ना? एकदम चल रहे हैं। चलो सी वर्ल्ड ना। चलो गाड़ी का लॉक खुला हुआ। चलो जी, बाहर मस्त मौसम है, गर्मी है नहीं बाहर में। देखो गाइस, बेसिकली ना ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, नोएडा स्टेडियम, और इसी का उस साइड ग्राउंड है, उसी में ये सारा फेयर वेयर जो है ना, डिज्नीलैंड और ये जैसा अभी सी वर्ल्ड लगा हुआ है वो लगता है इधर। इधर देखो, इधर मस्त बच्चे खेल रहे हैं, तो ये पूरा स्टेडियम है, नोएडा स्टेडियम, इसी में लगता है। और ये जो आप लोगों को सामने कैफ़े देख रहा है ना, सीरोज, ये इसमें जितने भी वर्कर्स हैं ना, वो सारे एसिड विक्टिम्स हैं, ठीक है। लाइक ये एक स्टार्टअप है, लोगों ने किया है, दो तीन लोगों का स्टार्टअप है, देखो सीरोज हैंगो और सीरोज कैफ़े। इसमें सारे जो वर्कर्स हैं ना, जो वर्क करते हैं, वो लड़कियाँ हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देसी जुगाड़, पूरा इंडिया ही जुगाड़ टेक्निक पे चल रहा है, तो हम लोग इंडिया से हैं तो जुगाड़ टेक्निक पे ही चल रहे हैं। आकाश फान गया ना? चलिए जी, एक बार ना पहुंच जाते हैं अंदर तो दिखाते हैं हम लोग का बक्सोदी, तो बक्सोदी तो चलते ही रहता है। वी आर बक्सोद, यू नो बक्सोदी हमारा धर्म है, कर्म है, कुंभ है। पहुँच गया अपन लोग सी वर्ल्ड, देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो दिल्ली इवेंट्स वेलकम यू इन सी वर्ल्ड, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत भयानक भीड़ है क्योंकि आज वीकेंड है ना, तो वीकेंड पे तो भीड़ होगा ही। और ये देखो टिकट का प्राइस, एंट्री टिकट 30 रुपीज़, 3 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा, ठीक है। पॉइंट टू बी लोटेड माई लॉर्ड, ठीक है। सी एस आपको देखो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, अमन टिकट लेके आ गया है, दिखाओ भाई टिकट। सर 18% GST लग रहा है, बताओ इस पर भी 18% GST हम लोग दे रहे हैं। सी एस आप, क्या चल रही है देश में? मोदी जी का देन है, क्या क्या कर सकते हैं। चलो जी, आ गया अपना टिकट, ये रहा एंट्री गेट, ठीक है। तो जो लोग नोएडा से हो उनको तो पता ही होगा, जो लोग नोएडा से नहीं वो लोग देख लो। अमन अमन बजाएगा, ले ले अमन ने सोवेगा, ये बढ़िया बजाएगा, भोंपू बजाएगा। दो भाई दो उनको टिकट, यहाँ पे तो 3 लोग है भाई, दो लो जी। फाइनली ऐसा है कुछ अंदर का नज़ारा। अब वो है कहाँ एक्वेरियम, बेसिकली जो एक्वेरियम वाला एरिया है ना अंदर है, उसका टिकट अलग से कटेगा क्या? नहीं भाई, चलो एक बार घूम लेते इधर फिर चलेंगे, क्या कहते हो आकाश बाबू? अलग से टिकट है। हाँ तो चलो, तो एक बार इधर देख लेते हैं, इधर मेला वेला पहले देख लेते हैं, उसके बाद सी वर्ल्ड में चल लेंगे। देखो जी, बेसिकली यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, काइंड ऑफ डिज्नीलैंड ही है, बढ़िया है भाई टाइम पास करने के लिए। शाम में इन्फ्लुएंजा आते हैं यहाँ पे, तेरे जैसे अमन को खड़ा कर देते वहां पे, चलो ही नहीं देखा के देखो भूपी है वहां पे, चलो चलो। देखो जी ऐसा है कुछ यहाँ का सिस्टम, तो मैं आप लोग को एड्रेस बता देता हूँ, सेक्टर 21A नोएडा स्टेडियम में ये, ठीक है, तो जिनको आना है वो आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखो सो कॉल्ड हॉन्टेड हाउस, भूत बंगला, जिसमें कुछ नहीं होता है, बच्चे हंस पड़ते हैं और बड़ों को तो कोई फील ही नहीं होता है कुछ। ओ डर गया। और ये है ब्रेक डांस, सामने अपने वो जाइंट व्हील दिख रहा है, दिख रहा हूँ ये रहा जाइंट व्हील, बढ़िया है भाई, बेसिकली मूड रिफ्रेश करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है भाई। ये रहा ब्रेक डांस है ना, दिखा फालतू में बात करते हो। यहाँ पे आप लोग ऊँट का सवारी भी कर सकते हो, देख रहे हो
बढ़िया है भाई, लेकिन मूड रिफ्रेश करने के लिए सही में बढ़िया है, यहाँ पे आ सकते हो और बहुत पास में है, नोएडा स्टेडियम में ही है ये। आकाश सीए बाबू नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को चक्कर आ जाता है, मैं नहीं जाऊँगा। चक्कर आता है बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। तो सीए जी नहीं जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और अमन जा रहा है, हम दोनों जा रहे हैं। और ये जो ब्रेक डांस का टिकट है ना भाई, लिटरली बहुत महंगा है, 80 रुपये का एक टिकट है। चलो जी एंटर कर गए हम लोग ब्रेक डांस के एरिया में। चलो जी फाइनली ब्रेक डांस पे, बैठो 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 इसी बैठो, चलो अंदर चलो। क्या है भाई अभी डर लगेगा। लो जी फाइनली बैठ गए अपन लोग ब्रेक डांस पे, मस्त। ये देखो सामने ब्रेक डांस, वेलकम टू यू ब्रेक डांस। तो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, हम लोग इंजॉय करने वाले हैं दोनों लोग। हमारा मेन मोटिव तो ये मेला घूमना था नहीं, ब्रेक डांस था नहीं, हमें जाना था सी वर्ल्ड, और हम सी वर्ल्ड जाएंगे। मेन एक्सप्लोर हमें सी वर्ल्ड करना, ये तो होते रहता है भाई लाइफ में, बहुत बार आए हुए हैं, सी वर्ल्ड पहली बार जाएंगे, पूरा एक्वेरियम है वो दिखाएंगे आप लोगों को। और ब्रेक डांस का कितना लगा था, 80 रुपये एक टिकट का। तो ब्रेक डांस का ना 80 रुपये एक टिकट का है, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया पहले भी। तो चलो एक बार ना ये स्टार्ट होता है तो आप लोगों को मैं इंजॉय कराता हूँ। लो जी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, मजा तो बहुत आएगा भाई। ए यार यहाँ तो एनर्जी नहीं है इसमें। अरे भाई तेज घुमाओ यार। भाई सही में ब्रेक डांस है ये तो। कैसा लग रहा ब्रो? भाई हाँ भाई बहुत मजा आया। सिस्टम हैंग कर दिया भाई, सिस्टम हैंग कर दिया। 5-7 मिनट का ही था लेकिन मजा आ गया। 5 मिनट था भाई, 7 मिनट का, 5 मिनट भी अच्छे से नहीं होगा, 80 रुपये में 5 मिनट भी नहीं घुमाया। चलो जी अच्छा था, थम्स अप, आ सकते हो, रिकमेंडेड हमारे साइड से। भाई मजा आ गया भाई, तुमको भी आना चाहिए था भाई, लेकिन मजा आ गया। अरे महंगा है लेकिन मजा आ गया। 1 मिनट का 16 रुपया। चलो चलो चलते हैं हम लोग सी वर्ल्ड, ठीक है, चलो। हमारा मेन मोटिव सी वर्ल्ड है। तो जी आ गया सी वर्ल्ड वाले एरिया में, ये रहा, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा लाइन है। ये लाइन है भाई, भाई ये लाइन है, भाई ये लाइन है, लग जाते हैं भाई, लग जाते हैं, लग जाते हैं। देखो गाइस हमारे पीछे से लाइन स्टार्ट हो रही है, ये रहा अमन, और ये देखो कितना लंबा लाइन है भाई साहब, उधर जाए ख़त्म हो रहा है, बहुत तगड़ा लाइन है भाई जी। भाई हमारा टिकट आ गया फिश टनल का, एक टिकट 100 रुपये का है, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव ब्रो, नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। चलो जी एंट्री हो गया अपना, भाई सफोकेशन हो जाएगा इसमें तो। कौन सी है ये? सिल्वर शार्क। ये देखो गाइस, ये रही कौन सी है, 12 नाइट फिश, रेड कैप गोल्ड फिश। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा ये है, भीड़ है, सफोकेशन जैसा हो रहा है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, बैड मैनेजमेंट, बहुत भीड़ है। ओ भाई ये रहा ओरिजिनल सीन, ये देखो गाइस भाई साहब इसी को देखना, मुझे लगा कि वहीं सब है जो मैं देख रहा था अभी छोटे छोटे, बट ये रहा बड़ा वाला टनल, लाइक ये है मज़ा, यहाँ पे है मज़ा, देख रहे हो भाई साहब, पूरा ऊपर से ये कवर है, इसमें फिशेज है सारे अलग अलग स्पीसीज के, फिशेज इसमें डाले हुए हैं, लाइक जो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होंगे ना वो सारे एक साथ में डाले हुए हैं, देख रहे हो गाइस, ये सारे आई थिंक गोल्ड फिशेज हैं, ठीक है। यही देखना था बेसिकली। बहुत ज़्यादा तो पीछे ही रहे, बहुत ज़्यादा भी है, बट मेरे को ना बेसिकली यही टनल ही देखना था जो मैंने फाइनली देखा, मुझे लग रहा था दिल्ली वाले सी वर्ल्ड में लगा से, बट यहाँ पे भी लाइक यहाँ पे ना ब्लॉग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन और बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया है, इस वजह से नहीं बता रहा है। एक और सरप्राइज आप लोग के लिए, देख रहे हो सिस्टम है भाई, एक नंबर। कैसा लगा भाई ये? लाइक ये अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे वो अच्छा नहीं लग रहा था, छोटा छोटा
भाई जो लोग भी नोएडा से हो ना, मजा है, मस्त है, आ सकते हो आप लोग। ओ भाई बढ़िया, आ सकते हो, रिकमेंडेशन है मेरे तरफ से, जितने मैंने देखो कि आप लोग आ सकते हो, आप आ सकते हो, लाइक 100 रुपये तो है, लाइक कॉस्टली है, बट ऐसे कह सकते हैं। भाई साहब कितनी बढ़िया है भाई, इसका नाम क्या है भाई, जिनको पता होगा कमेंट सेक्शन में बता देना इनका नाम क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या नाम है इनका। तो सही है भाई, बहुत बड़ी बड़ी फीसेज है बड़े वाले टनल में, तो मेरे को वर्थ इट लग रहा है, वर्थ इट है। चलो हो गया, हाँ चले, चलो 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 जी भाई, फाइनली ख़त्म हो गया अपना फीस टनल, चलो हो गया अपना फीस टनल ख़त्म, अब आ गए हम लोग बाहर। ओ हो, ठंडा ठंडा हो रहा फील, अच्छा फील हो रहा, बहुत बहुत सफरेशन था भाई, बहुत सफरेशन था। कहाँ गया, कहाँ से, आकाश से लेते हैं, कैसा लगा भाई? बढ़िया लगा, बढ़िया था, 100 रुपये वर्थ इट नहीं था, मतलब 60-70 रुपये होता तो ठीक था तुमको, हाँ ऐसे बढ़िया था, बट बड़ा वाला टनल मजा दे दिया, बढ़िया था बड़ा वाला टनल, लास्ट में बड़े वाले टनल में थोड़ा सा ठीक है, बड़े वाले टनल में बेसिकली वो सारे फीसेस थे ना जो एक साथ कंपैटिबल है, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड था सारा एक दूसरे से। चलो जी फिलहाल बाहर निकल के मेला वाले एरिया में, ठीक है, तो हो गया आज का। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोग इन्जॉय किए होंगे, प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो पे, एंड जो भी चैनल पे नया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। कुछ बोलना है, लाइक कमेंट मतलब रिकमेंडेशन है ना, रिकमेंडेड है, लाइक कमेंट, हाँ भाई आ सकते हो, तो जो भी नोएडा सुना आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, बहुत ठीक है। तो चलो टिल देन छोटो प्यार बड़ा नमस्कार, बाय। जिंदगियां बन चुकी बंजर, भीड़ में तना सा होने लगा हूँ, अपनों से खफा में होने लगा हूँ, होने लगा हूँ।